Honourable Member, please start. आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और गृह मंत्रालय द्वारा यानी के जे बिल जो विधेयक यानी के इथे ले आंदा दा खासकर जम्मू कश्मीर च उर्दू और अंग्रेजी दी भाषा यानी के बोलचाल हा और दो लैंग्वेज जिहड़ियां दो भाषा जिहड़ियां उत्थे इस्तेमाल कीती गई ही आ किंतु जिस प्रकार 1947 को लिए अज तक केवल मात्र दो भाषा ही हैं अगर उसका ट्रेडिशन देखा जा उसका रवाज देखा जा उसका कल्चर देखा जा और भी भाषाएं की उसे सामने करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होया और ऐसा नहीं होने के कारण कि जिस प्रकार की समस्या कई प्रकार की उत्पन्न हो गई अगर यानी कि 1947 अज तक ठीक प्रकार ये भाषाएं उत्थे लागू होंदिया तो इस दा बड़ी सारी समस्या उत्थे नहीं होंदिया जियां कि 1885 च कोला पहले जम्मू कश्मीर च परशियन बोली जांदी ही परशियन लिखी जांदी ही उत्थे परशियन दा बोलवाला हा उर्दू दा उत्थे कोई बोलवाला नहीं हा कश्मीरियत दा उत्थे कोई बोलवाला नहीं हा परशियन की कन्वर्ट करिए इन्हें उर्दू लियांदा गया और लियाने दा बाद च जिहड़ी असली यानी कि कश्मीर दी भाषा ही कश्मीरी उसी बिल्कुल इग्नोर किया गया अगर कश्मीर की इग्नोर करने दे बाद च उर्दू की यानी कि अरबी और ईरानी भाषा यानी कि कन्वर्ट किया या विदेशी भाषा की इतने यानी कि लागू किए गए हा जिहदी वजह कन्नै यह समस्या जिहड़ी उत्पन्न हुई जिहदा कारण अज जम्मू कश्मीर च समस्या का बने दा तुहाडा सामने है अगर यह नहीं होंदा अगर कश्मीर च ठीक प्रकार कश्मीरियत बोली जाती कश्मीरी जानी कि अगर बढ़ते तो उन्हें लगता है कि मेरी अपनी भाषा है मेरी मातृभाषा है मैं इसकी बोलना चाहता मैं लिखना चाहता और खासकर 8th शेड्यूल जिनके शामिल हुई है उसी सारी स्क्रिप्ट जिनके बनी जी अगर वह नहीं किया तो कारण है कि वह बड़ा बड़ा रोष उत्पन्न होया और रोष उत्पन्न होने के बाद यह सारी चीज़ा साढ़े सामने ले आईया और दूई जानी कि वह बाद जम्मू की भाषा डोगरी भाषा है डोगरे कम से कम बोलने वाले 50 लाख कोला उपर लोग होने जो डोगरी बोलते होंगन केवल मात्र जम्मू च गै डोगरी नहीं है जम्मू का इर्द गिर्द एरिया जोड़ा है चाहे दीनानगर है चाहे हिमाचल च पंजाब है ये सारे का सारा एरिया इवन के सियालकोट तक जानी कि डोगरी बोली जाती है अगर डोगरी का बिल्कुल का बिल्कुल इग्नोर किया गया अस भला करने और अज भी उन्हें याद करने साढ़े प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2001 में उन्हें इस डोगरी की यानी कि इस शेड्यूल च लिया गया लेकिन 2004 को लिया 2014 तक जिस प्रकार की सरकार रही साढ़े आजाद साहब इतने बैठे मैं अज उन्हें पूछना चाहता हाँ तुम भी जम्मू के रहने वाले हो जम्मू के डोगरे ही हो जम्मू की डोगरी भाषा की तुम शामिल कर सकते हैं क्या 70 साल का ये इस प्रकार का वितकरा इस प्रकार का पक्षपात इस प्रकार का भेदभाव जिहड़ा इत्थे होया है उसका कारण और जिम्मेवार कौन है ये सरकार बैठी थी केवल मात्र यानी कि अपने बारे सोच हालांकि आजाद साहब कश्मीरी की भी जानते हैं कश्मीरी लागू नहीं कराई आजाद साहब डोगरी भी जानते हैं उन्हें डोगरी यानी कि इंप्लीमेंट नहीं किया इसका कारण क्या है इस खातर मैं चाहता हाँ कि अगर वो इतना होंगे तो बड़ा चंगा होंगे उन्हें पूछा जाता जवाब देंगे कि मैं की नहीं लिया है आज यानी कि सारे पुराने यानी कि इतने के राज्यसभा मैंबर भी रहे लोकसभा भी रहे मंत्री भी रहे और महाराज यानी कि दराज यानी कि करण सिंह जी लगातार 1947 को अज तक जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करते आए उन्हें भी इस प्रकार नहीं सोचा कि जम्मू की डोगरी भाषा की यानी कि लिया जा सारे को पहले मैं एक चीज आखन आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर की महाराजा दराज हरि सिंह जी यानी कि जो दिवंगत हो गए उनका जन्मदिन है और जम्मू च बड़ा बड़ा एक अंदोलन पिछले कई सालों का चला करता ताकि उनके दिन पर एक छुट्टी दी जा छुट्टी मनानी चाहिए क्योंकि जम्मू कश्मीर के हुक्मरान रहे चाहे महाराजा गुलाब सिंह होए महाराजा प्रताप सिंह होए महाराजा रणवीर सिंह होए और महाराजा हरि सिंह होर होए
अज जानके उन्हें अपने इस महाराज नाम पर एक छुट्टी नहीं कराई सकन। किस प्रकार उन्हें जम्मू कश्मीर की जोड़ने की कोशिश की गई, किस प्रकार जम्मू की जानके विलय किया गया, थोड़ा सामने है सारी चीजा। जिसने जम्मू कश्मीर की भारत के विलय कराया, एडा वा नेता जानके एडा वा सोयूज वाला, उसके नाम पर एक छुट्टी नहीं हो सकती। इस खातर जम्मू च पूरा पूरा प्रोविंस जोड़ा है वो अज भी रोश की जानके ज्वाला जी जला करता है। इस खातर मैं साथियों एक चीज आखन, इस डोगरी की अज नहीं महाराजा रणवीर सिंह ने जम्मू कश्मीर च इंप्लीमेंट करते हुए पूरे डोगरी से सारे काम होंगे है, चाहे सैनिक व्यवस्था ही, चाहे रेवन्यू डिपार्टमेंट हा, चाहे बाकी डिपार्टमेंट है, सारे बच्चे जानके डोगरी का बोलबाला जानके होया। अज जानके अस आखने कि जम्मू कश्मीर क्या पूरे भारतवर्ष एक भाषा बोली जाती है वो हिंदी, हिंदी का इंप्लीमेंटेशन होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर छूता रहा। अगर इसी अस आखने मातृ भाषा है तो डोगरी की अस आखने मां बोली, यानी कि अगर हिंदी साड़ी मां है तो डोगरी साड़ी दादी है, और मां और दादी का संपर्क यानी कि बिल्कुल का छूता हो जाए उसे इग्नोर किया जाए। अज अस याद करने पोगे सारे चीज की मां और दादी की भी, जिदी वजह कन्नै यह सारी चीजा हो सकदियां। साथियों इस खातर मैं आखूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृहमंत्री जी, जिस प्रकार उन्हें दो लैंग्वेज जो भाषा जो पुरानिया ही जी कि उर्दू और इंग्लिश का बोल पहला रहा, लेकिन हिंदी की लागू करिए पूरे देश के जोड़ने की कोशिश की गई, डोगरी की जोड़ने के लिए उन्हें पूरे जम्मू प्रोविंस की जोड़ने की कोशिश की गई, और कश्मीर की लिया कश्मीरी भाषा की लियाने खातर कश्मीर की जोड़ने की कोशिश की थी। कश्मीर एक अपना जन के अस आखने के स्वर्ण जन के मुकड़मणि है, और उस मुकड़मणि की एक लैंग्वेज है, उस भाषा है, उस भाषा की इग्नोर की करा करने, उस इग्नोर की हुई है, उसका रीजन क्या रहा, उसका कारण क्या रहा। इस खातर साथियों मैं अज अपने जन के सांसद और अपने बंधुओं की अपने कलीग्स की इन्ना जरूर दसंग कि अपने देश जिस प्रकार पूरा देश चला करता, देश की लैंग्वेज चले कर दिया, इस प्रकार जम्मू च भी जम्मू कश्मीर च भी असे पांच लैंग्वेज जिस प्रकार पदार्पण होया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृहमंत्री जी का, और आदरणीय किशन रेड्डी जी जन के MOS जन के मैं गृहमंत्री बोल रहा, गृह मंत्रालय बोल रहा, गृह मंत्रालय का आभार व्यक्त करना कि सारी चीजें आस्ते जिस प्रकार करा करते हैं। और खासकर मेरा द्वारा निवेदन रहोग कि खासकर महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन तई विचार किया जा, और खासकर जम्मू की डोगरी जी है खासकर 50 लाख कला उपर लोग बोलने वाले उसी द्वारा दिखाया जा, कश्मीर की कश्मीरियत की जन के द्वारा दिखाया जा, ताकि दोवें भाषाएं जो लोकल न साड़ियाँ जम्मू इंडिया दियां और भारत कन्नै जुड़ी दियां, भारत की अग्गे बधाईयां। इन्ना गै आखदे होए मैं अपना कथन समाप्त करना। भारत माता की जय।